क्लास, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं सीएस दिलीप चेनानी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं ज्ञान सागर क्लासेस के अंदर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आप लोगों को आपके फाउंडेशन के अंदर पढ़ाता हूं पेपर नंबर 2, जो कि डील करता है फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। मैं बात कर रहा हूं कौन से पेपर की, पेपर नंबर के बारे में, फाइनेंशियल एंड कॉस्ट काउंटिंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आ चुका है न्यू सिलेबस, तो हमारा जो अब सिलेबस एप्लीकेबल है वो पूरा का पूरा कौन सा सिलेबस एप्लीकेबल है, सिलेबस 2022। तो आज पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपके सिलेबस के अंदर क्या क्या चीजें हैं, किसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि हमारे सिलेबस के अंदर क्या क्या चीजें दी हुई हैं। आपके फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग के सिलेबस को इन्होंने बांटा है 2 पार्ट्स के अंदर। सबसे पहला पार्ट है पार्ट ए, जो कि रिलेट करता है किससे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। एंड जो आपका पार्ट बी है वो डील करता है कॉस्ट अकाउंटिंग से। पार्ट ए के बारे में बात करूं तो पार्ट ए आपके एग्जाम के अंदर डील करेगा 70 मार्क्स, एंड पार्ट बी आपके एग्जाम में डील करेगा 30 मार्क्स से। तो टोटल पेपर नंबर 2 फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग कितने मार्क्स का है, 100 मार्क्स का। हर एक पेपर कितने मार्क्स का है, 100 मार्क्स का। आपका जो पेपर पैटर्न होता है, पेपर पैटर्न क्या है, 50 क्वेश्चंस आते हैं। हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है, 2 मार्क्स का। तब जाकर के कितने मार्क्स होते हैं, 100 मार्क्स। पार्ट ए में से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 70 मार्क्स का टोटल है, तो कितने क्वेश्चन हो गए, 35 क्वेश्चंस आपके आते हैं पार्ट ए में से, एंड 15 क्वेश्चंस आप लोगों के आते हैं पार्ट बी में से। बात करूं पार्ट ए के अंदर, इन्होंने पार्ट ए को भी फर्दर 3 कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई कर रखा है। कितनी कैटेगरी में क्लासिफाई कर रखा है, 3 कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई कर रखा है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसकी फर्स्ट कैटेगरी है इंट्रोडक्शन एंड बेसिक अकाउंटिंग। जो कि कवर करती है आपके 30 मार्क्स। तो ये पूरा इंट्रोडक्शन है और जो पूरी बेसिक अकाउंटिंग है, इनके अंदर भी काफी सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं, जैसे अकाउंट्स के कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस, हियर आफ्टर जनरल एंट्रीज, लेजर, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, एप्रिसिएशन।
अब इन सभी टॉपिक पढ़ने के बाद, इनके नाम देखने के बाद पता लग गया होगा आप लोगों को कि ये पूरी हमारी 11th की अकाउंटेंसी के टॉपिक्स हैं। राइट, 30 मार्क्स कवर होते हैं सीधे के सीधे 11th की अकाउंटेंसी में। बट ये ध्यान रखना है, हम लोग जो अकाउंटेंसी पढ़ के आए हैं उस अकाउंटेंसी के अंदर 11th में हम लोगों को कभी एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करवाई गई है। हम लोगों को सब्जेक्टिव एंड प्रैक्टिकल जो लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं उनकी प्रैक्टिस करवाई गई है। हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि एमसीक्यू के अंदर छोटे छोटे किसी भी प्रिंसिपल का कोई भी छोटा क्वेश्चन उठा करके आपको दे दिया जाए। आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अंदर पढ़ा होगा अश्योरिटी के साथ कि जब कभी हम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं तो जब क्लोजिंग स्टॉक के अंदर दो वैल्यू दे रखी है, एक मार्केट वैल्यू दूसरी बुक वैल्यू, वो कौन सी वैल्यू को लिखा जाता है? विच एवर इज लेस। ये तो सभी को पता है, किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उस वैल्यू को, विच एवर इज लेस जो वैल्यू बोल रहे हैं, किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लिखा जाता है? कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस कंसेप्ट। क्या बोलता है कि क्लोजिंग स्टॉक हमेशा बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस हो उस पे लिखा जाता है। ऐसे ही हम लोग प्रोविजंस बनाते हैं। प्रोविजंस क्यों बनाए जाते हैं? कि फ्यूचर के अंदर होने वाले नोन लॉसेस और नोन एक्सपेंसेस को हम लोग रिकवर कर सके, उनसे बचने के लिए हम प्रोविजन बनाते हैं। सभी को प्रोविजन बनाना आते हैं, चाहे मैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल बैड डेट्स की बात कर लूं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की बात कर लूं, लेकिन किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं? यहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन की जगह पे उसका रियल कहां से ओरिजिन हुआ उसके बारे में बात होती है। तो अगेन कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल ही बोलता है कि ऑल द एंटीसिपेटेड लॉसेस आर टू बी रिकॉर्डेड। राइट, इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। डेप्रिसिएशन का एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको दे दिया गया, 4 इयर्स की आपसे अकाउंटिंग करवा करके आपको पता लगता है कि एसेट्स को सेल करने से या तो प्रॉफिट हो रहा है या फिर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब यही क्वेश्चन एमसीक्यू में दिया जाए तो कोई अकाउंटिंग नहीं करनी, आपको केवल कैलकुलेशन पार्ट से किसका कैलकुलेशन करके बताना है, प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन करके बताना है, या फिर एसेट्स की WDV वैल्यू बतानी है। राइट, तो इस तरीके के क्वेश्चंस हम लोगों को हमारे एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। राइट, तो इंट्रोडक्शन है तो पूरा 11th क्लास का, किसका है? पूरा 11th क्लास का। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है इसके अंदर कि यहां पे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो एडवांस लेवल के। राइट, पार्ट ए के अंदर फर्स्ट जो पार्ट है वो कितने मार्क्स का? 30। मतलब जो पूरी बेसिक अकाउंटिंग है वो कितने नंबर की है आपकी? 30। मतलब यहां से हमें कितने क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं? 15 क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। राइट, इसी के अंदर अगर मैं पार्ट टू के बारे में बात करूं, काउंटिंग फॉर फाइनल अकाउंट्स। जी हाँ, सही सोच रहे हैं, फाइनल अकाउंट्स जो आप लोगों ने 11th में पढ़े, कौन से? सोल प्रोप्राइटर के फाइनल अकाउंट्स पढ़े हैं। तो सबसे पहले तो सोल प्रोप्राइटर के फाइनल अकाउंट्स, लेकिन सोल प्रोप्राइटर के साथ साथ सीएमए फाउंडेशन के अंदर आप लोगों को नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के भी क्या दे रखे हैं? फाइनल अकाउंट्स दे रखे हैं। और ये पूरा पार्ट है आप लोगों का 25 मार्क्स का, मतलब अराउंड 12 टू 13 क्वेश्चंस हम लोगों के क्या होते हैं, कवर होते हैं फाइनल अकाउंट्स वाले पार्ट्स। राइट, इसी के अंदर पार्ट 3 है, किससे रिलेटेड? काउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन
जैसे ही बात आती है अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन के बारे में, तो ये कवर करता है आपके 15 मार्क्स, जिसके अंदर सबसे पहले चैप्टर दे रखा है कंसाइनमेंट, देयर आफ्टर दे रखा है जॉइंट वेंचर, एंड लास्ट चैप्टर दे रखा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये वाला जो स्पेशल ट्रांजैक्शन है, ये आप लोगों के लिए एकदम न्यू है। कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर आपने आज तक नहीं पढ़े। इससे ऊपर वाला जो पार्ट है एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, और इसके क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं। राइट, अराउंड 30 मार्क्स कवर करते हैं ये 3 चैप्टर। 25 का है तो हाफ ऑफ, देन अगेन बिल ऑफ एक्सचेंज हम 11th में पढ़ तो लेते हैं, तो 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बाकी किसके अंदर देखने को मिलेंगे? कंसाइनमेंट एंड जॉइंट वेंचर। ये वाला पार्ट कवर करता है आपके 7 to 8 क्वेश्चंस। राइट, टोटल 35 क्वेश्चन, 15, 13 एंड 7, टोटल हो गए आपके 35 क्वेश्चंस। किससे? फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। अब आप लोग क्या कर रहे हैं? सीएमए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। स्टार्टिंग में क्या रहा है? कॉस्ट। तो आप लोगों को नॉलेज देने के लिए किससे रिलेटेड? कॉस्ट, कि जब कभी भी किसी भी प्रोडक्ट को बनाया जाता है तो उस प्रोडक्ट को बनने में कितने रुपए का खर्चा होगा, कौन कौन सी कॉस्ट होगी, उस कॉस्ट का कैलकुलेशन करना, उसका एस्टिमेशन करना, बिजनेस के डिफरेंट डिफरेंट तरीके के डिसीजन लेना, तो उसके लिए हम लोगों को पढ़नी होती है कॉस्ट अकाउंटिंग। और एक सीएमए का मेन वर्क भी क्या है? जितनी भी प्रोडक्ट हैं या जितने भी सर्विसेज हम लोग मार्केट में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनकी कॉस्ट का एस्टिमेशन करना, डिसीजन लेना कि हमें बिजनेस को ऑपरेट करना चाहिए या नहीं चाहिए, तो वो सारा का सारा किसके अंदर दिखाया जाता है? कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। अभी आप लोगों को केवल इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, जो कि कितने मार्क्स का है? 30 मार्क्स का है। 30 मार्क्स का मतलब कितने क्वेश्चंस हो गए? 15 क्वेश्चंस हो गए। ये आपके सिलेबस के अंदर केवल 7 to 8 डेज के अंदर कवर होते हैं, और क्वेश्चन भी बहुत सिंपल आते हैं, है एकदम न्यू लेकिन है सबसे इजी। तो ये तो हमारा सबसे लास्ट में पढ़ने वाला पार्ट है, ताकि 15 मार्क्स हम लोग स्कोर करके हमारे अकाउंट सब्जेक्ट के हाईएस्ट मार्क्स को क्या कर सके? हाई कर सके। राइट, कॉस्ट अकाउंटिंग यहां पढ़ करके 30 नंबर तो गेन हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप सीएमए इंटर के अंदर जाएंगे, तो सीएमए इंटर के अंदर कॉस्ट से रिलेटेड ग्रुप 1 और ग्रुप 2, पेपर नंबर 8 और पेपर नंबर 12। पेपर नंबर 8 पूरा का पूरा 100 मार्क्स का है, और पेपर नंबर 12 भी कितने मार्क्स का है? 100 मार्क्स का। तो ये सीधा का सीधा किससे रिलेट है? कॉस्ट अकाउंटिंग से। यहां तो हमें केवल थोड़े से 8 to 10 पेजेस पढ़ने हैं, और यहाँ पे पूरा पूरा सब्जेक्ट हम लोगों को पढ़ना है कॉस्ट से रिलेटेड। फाइनल के अंदर जाएंगे, वापस से कॉस्ट कितने नंबर की आएगी? 100 मार्क्स की। मतलब ये 30 मार्क्स आपके टोटल कितने मार्क्स डिसाइड करने वाले हैं? 300 मार्क्स डिसाइड करने वाले। राइट, तो ये था आपके पूरे के पूरे सिलेबस का ओवरव्यू, कि हमें कितने चैप्टर्स कवर करने हैं। बेसिक अकाउंटिंग पढ़ने के सारे चैप्टर पढ़ने के हैं, बट प्रैक्टिस के लिए 4 to 5 चैप्टर्स। राइट, बीआरएस, डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, देयर आफ्टर प्रिंसिपल एंड कंसेप्ट, 3 से 4 क्वेश्चन हमें वहां से देखने को मिलते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट दीज 4 चैप्टर्स आउट ऑफ 30 मार्क्स। देयर आफ्टर फाइनल अकाउंट्स पूरा पढ़ना है, 25 मार्क्स का है, न्यू सिलेबस है। 3 चैप्टर आपने आज तक नहीं पढ़े, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर एंड बिल ऑफ
एक्सचेंज, साथ में एनपीओ एंड कॉस्ट अकाउंटिंग एकदम न्यू। तो काफी स्टूडेंट को लगता है कि अकाउंटिंग तो सिमिलर है 11 एंड 12th, केवल बेटा 30 मार्क्स सिमिलर है, व्हाट अबाउट 70 मार्क्स एकदम क्या है डिफर। तो सीरियसली होकर के हमें अकाउंटिंग की क्या करनी है, पढ़ाई करनी है, राइट। आज से मैं आप लोगों को जो चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं, मैं आप लोगों को फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो पार्ट टू है, कौन सा पार्ट, पार्ट टू जो कि रिलेट करता है किससे, फाइनल अकाउंट से, इसका भी चैप्टर हम लोग कौन सा स्टार्ट करने जा रहे हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल अकाउंट्स। किसी भी चैप्टर को मैं स्टार्ट कर रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं या मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मुझे सबसे पहले पता होना चाहिए कि आखिर ये चैप्टर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर को पढ़ने के पीछे का क्या रीजन है, राइट। तो समझिएगा अच्छे से। देखिए हम लोग करते हैं बिजनेस। बिजनेस का मतलब क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू अर्न प्रॉफिट, राइट। प्रोडक्ट को परचेज करो या सेल करो, लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करो, क्यों करते हो ऐसा, ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हम लोगों को क्या मिले, प्रॉफिट अर्न हो। अब मुझे अगर बिजनेस करना है तो मैं कितने तरीकों से बिजनेस कर सकता हूं, कोई लिमिट है क्या बिजनेस की, जिस भी तरीके का बिजनेस आप करना चाहते हो उस तरीके का बिजनेस कर सकते हो, किस तरीके से, आइदर सोल प्रोपराइटर के बिहाफ पे, पार्टनरशिप के बिहाफ पे, कंपनी के बिहाफ पे, एचयूएफ के बिहाफ पे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बिहाफ पे, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के बिहाफ पे, बहुत सारे ऑप्शन है। कंसाइनमेंट भी एक ऑप्शन है, एजेंट को अपॉइंट करके अपने प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर क्या करना, सेल करना, ज्वाइंट वेंचर, पार्टनरशिप के अंदर टेन्योर होता है लॉन्ग, लेकिन मुझे एक पर्टिकुलर कोई टास्क करना है उसके लिए एक पार्टनर की नीड है, उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, तो उसके लिए हम लोग क्या बना देते हैं, ज्वाइंट वेंचर, राइट। हम लोग किसी भी तरीके से क्या कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, वो हमारे मनी के ऊपर, साथ में हमारी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है कि मेरे को मेरे बिजनेस की साइज कितनी रखनी है। लेकिन अगर मैं हर पर्सन को प्रोडक्ट को किस पे बेचूं, प्रॉफिट पे बेचूं, तो क्या हर पर्सन के पास इतना पैसा है कि वो आकर के मुझे अमाउंट पे कर देगा, नहीं ना। हम लोग मार्केट के अंदर जाते हैं तो बहुत सारे बैगर हम लोगों को दिखते हैं, राइट। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जिनके पास इतना मनी नहीं है कि वो अपने चाइल्ड की एजुकेशन पूरी करवा सके। एजुकेशन की बात तो तब आए जब उनके पास खाना खाने के लिए प्रॉपर क्या हो, पैसे हो, राइट। तो जो लोग बिजनेस करते हैं क्या वो इन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा सकते हैं क्या, नहीं। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दिया तो क्या ये बिजनेस कहलाएगा क्या, बिल्कुल भी बिजनेस नहीं कहलाएगा। तो जितने भी मार्केट के अंदर लोग हैं, उन लोगों को, जितने भी मार्केट के अंदर लोग हैं, कौन से वाले लोग, जिनके पास हाथ में मनी नहीं है, नॉट हैव सफिशियंट रिसोर्सेस,
रिसोर्सेस, जिनके पास क्या नहीं है, सफिशियंट रिसोर्सेस नहीं है, ना फूड के लिए, ना एजुकेशन के लिए, ना फूड, ना एजुकेशन, ना मेडिकल ट्रीटमेंट, ना लोगों के पास शेल्टर्स हैं। क्या है? ना लोगों के पास शेल्टर है। रिसोर्सेस के अंदर क्या क्या आ गया? फूड भी आ गया, एजुकेशन भी आ गई, मेडिकल ट्रीटमेंट भी आ गया, शेल्टर भी आ गए। मतलब बात वही आ गई, रोटी कपड़ा मकान तीनों के लिए लोगों के पास क्या नहीं है? पैसे नहीं है। राइट, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो आगे आते हैं, वो आगे आकर के जिनके पास इन रिसोर्सेस की कमी है, उनको क्या प्रोवाइड करवाते हैं? सर्विसेस। और सर्विसेस क्यों प्रोवाइड करवाते हैं? ताकि लोगों का क्या हो, वेलफेयर हो, लोगों का क्या हो, वेलफेयर हो। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, अभी मैं केवल जयपुर राजस्थान के जो हमारे स्टूडेंट हैं, मैं उन लोगों की बात करता हूं। सबसे पहले आप लोगों ने मोती डूंगरी गणेश टेम्पल का नाम सभी ने सुना है। इनकी तरफ से जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, उन हॉस्पिटल्स के अंदर मॉर्निंग में एंड इवनिंग में एक फूड का ट्रक जाता है। तो जो एकदम पुअर हैं, उन लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो उन्हें क्या प्रोवाइड करवाया जाता है? फूड प्रोवाइड करवाया जाता है। गोविंद देव जी का टेम्पल का नाम सुना है? वो लोग भी डेली 1 लाख पर्संस को जयपुर राजस्थान के अंदर क्या प्रोवाइड करवाते हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट फूड प्रोवाइड करवाते हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स, जितने भी स्टूडेंट गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं, उनको आंगनवाड़ी की तरफ से क्या प्रोवाइड करवाया जाता है? फूड प्रोवाइड करवाया जाता है। राइट, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के बारे में मैं बात कर रहा हूं, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पूरे के पूरे कौन चला रही है? गवर्नमेंट। तो पूरा मनी कौन बेयर करती है? गवर्नमेंट। लेकिन कुछ चैरिटेबल ट्रस्ट के हॉस्पिटल्स होते हैं, जिनके अंदर कुछ पेशेंट ऐसे जिनके पास पैसा नहीं है, उनका मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे स्वामी टेऊराम हॉस्पिटल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट। कुछ स्पोर्ट्स क्लब होते हैं, क्या होते हैं? कुछ स्पोर्ट्स क्लब होते हैं जो अपने मेंबर्स को नॉमिनल चार्जेस लेने के बाद क्या प्रोवाइड करवाते हैं? डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। दिल्ली के अंदर क्रिकेट क्लब है, वो क्या करता है, थोड़ा सा मेंबरशिप चार्ज लेने के बाद उन्हें क्या प्रोवाइड करवाता है? वर्ल्ड क्लास सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। कुछ एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जिनके पास मनी नहीं है, उन स्टूडेंट्स को क्या करते हैं? एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं अलग जगह, और उनको मनी का क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। कुछ अनाथालय होते हैं, ऑफनेस बोला जाता है, वृद्धा आश्रम होते हैं। अल्टीमेट क्या कर रहे हैं? लोगों को क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं? सर्विसेस, ताकि उनका क्या हो सके, वेलफेयर हो सके। राइट, तो ऐसे सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो कि लोगों को क्या प्रोवाइड करवाते हैं, सर्विसेज, जिनका मेन मोटिव क्या होता है, वेलफेयर करना, उन सारे ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग बोलते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मुझे आप एक बात बताइए, मैंने आप लोगों को मोती डूंगरी, गोविंद देव जी, अन्नपूर्णा, इनकी बात की मैंने आप लोग से, ये वो फूड प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फूड प्रोवाइड करने के लिए इन लोगों के पास कहीं ना कहीं से रॉ मटेरियल आता होगा, कहीं से आटा आ रहा है, कहीं से ऑयल आ रहा है, कहीं से शुगर आ रही है, हाँ या ना, कहीं से दालें आ रही हैं। क्या उनकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग इन लोगों को करनी पड़ सकती है क्या? जी हाँ, पता चले जो बना रहे हैं वही अपने घर पे लेकर के जा रहे हैं, तो प्रॉपर कीपिंग करनी पड़ेगी क्या बुक्स की? क्या
कितना मटेरियल आ रहा है, कितना हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी बात, भैया जो भी वहां खाना बना रहे हैं उनको भी तो अपनी जीविका चलाने के लिए, अपना डे टू डे रूटीन वर्क करने के लिए मनी की रिक्वायरमेंट है। उनको सैलरी देनी पड़ेगी स्टाफ को, वो सैलरी कहाँ से दे? तो अलग अलग लोगों से क्या आता है, डोनेशन आता है। उन डोनेशन के भी आप उन्हें क्या दी जाती है, सैलरी दी जाती है। किस पर्सन से कितना डोनेशन आया, क्या उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, अकाउंटिंग होनी चाहिए, होनी चाहिए ना। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कि इनके पास कितना पैसा आया, इन्होंने कितना पैसा खर्च किया, कितना मटेरियल आया, कितना मटेरियल इन लोगों ने खर्च किया, इन सभी के लिए इनकी प्रॉपर बुक्स को मेंटेन किया जाता है। और इसके लिए अलग से अकाउंटिंग के अंदर पूरा चैप्टर बनाया हुआ है जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आंसर मिल गया। मैंने बोला था किसी भी चैप्टर को पढ़ने के पीछे का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव। हम लोग पढ़ रहे हैं फाइनल अकाउंट्स ऑफ एनपीओ। एनपीओ क्या होता है, लोगों को सर्विसेज देता है। सर्विसेज देने के लिए इनके पास डोनेशन आएगा, गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी आएगी, स्टॉक आएगा, काफी सारी चीजें आएंगी। तो उन सभी के लिए प्रॉपर बुक्स को मेंटेन करना, पूरे ईयर के अंदर कितना मटेरियल आया, कितना मटेरियल सप्लाई किया गया, उन सभी की प्रॉपर वे में रिकॉर्डिंग करना, इसके लिए हम लोगों को पूरा एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम क्या है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मेरे प्यारे ऑफलाइन एंड ऑनलाइन स्टूडेंट्स जल्दी से रिप्लाई देंगे कि क्या सभी को क्लियर है एनपीओ हम लोग क्यों पढ़ते हैं, जल्दी से रिप्लाई दे दीजिएगा। चलिए थोड़ा सा लिखने का काम कर लेते हैं, लिखिएगा। एन ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड सर्विसेज और गुड्स टू द पब्लिक फॉर वेलफेयर पर्पस एट फ्री ऑफ कॉस्ट और एट कॉस्ट दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, चैरिटेबल ट्रस्ट स्पोर्ट्स क्लब एक्सेट्रा। राइट, अब अपन एक एनजीओ बनाते हैं, नॉन गेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ, एनजी। हमारा काम है स्पोर्ट्स
एंड कल्चर एक्टिविटीज को क्या करना, प्रमोट करना, राइट। हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके के पर्सन्स को ढूंढते हैं, मेनली स्टूडेंट्स को, उसके अंदर चेक करते हैं, अगर कैपेबिलिटी है तो उसकी स्पोर्ट्स की फैसिलिटी उसको प्रोवाइड करवाई जाती है अलग से। कल्चर के अंदर बहुत अच्छा है, फॉर एग्जाम्पल सिंगिंग अच्छी है, पेंटिंग बहुत अच्छी है, या फिर उसके डिफरेंट डिफरेंट तरीके के वर्क्स हैं, कलरिंग अच्छी आती है, पेंटिंग अच्छी आती है, तो उस टैलेंट को बाहर निकालने के लिए हम उसे क्या करते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं, ताकि वो ट्रेनिंग हो लेकर के क्या हो सके, बड़ा आदमी बन सके, राइट। अल्टीमेट मेरा ऑब्जेक्टिव वेलफेयर, और वेलफेयर किस एक्टिविटीज के अंदर, स्पोर्ट और कल्चर एक्टिविटीज को क्या करना, प्रमोट, राइट। मैंने करवाना है एक स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, क्या करवाना है, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट। स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले एक स्टेडियम चाहिए, स्टेडियम के बाद इक्विपमेंट्स चाहिए, स्पोर्ट्स के क्या चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए, एंकर चाहिए, एडवर्टीजमेंट करूंगा उसके लिए भी क्या चाहिए, पैसा चाहिए, एडवर्टीजमेंट करूंगा तभी तो पूरी जनता को पता लगेगा कि हाँ भाई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट हो रहा है, पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से पैसा आएगा। तो हो सकता है कि मेरे कुछ क्या हो, मेंबर्स हो इस क्लब के, तो जैसे ही इन मेंबर्स ने इस क्लब को ज्वाइन किया तो इन लोगों को क्या देना पड़ा, मेंबरशिप चार्जेस, और जैसे ही ईयर एंड होता है तो यहाँ की सब सर्विसेस लेने के लिए इनको क्या पे करने पड़ते हैं, सब्सक्रिप्शन चार्जेस, या तो मंथ का होगा, ईयर का होगा, वीकली हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। तो सबसे पहले इनकम कहाँ से आएगी, जितने भी मेरे मेंबर्स हैं उन मेंबर्स से सब्सक्रिप्शन चार्जेस, राइट। पैसा और चाहिए, मैं चला गया एक नेताजी के पास, नेताजी हम लोग ये टूर्नामेंट करवा रहे हैं उसके लिए मुझे क्या चाहिए, पैसा चाहिए। नेताजी ने बोला मैं तो नहीं दे सकता, एक काम करो जो मेरी पार्टी है उस पार्टी के पास चले जाओ और वहां से पैसा लेकर के आ जाओ। पार्टी के पास गया, पार्टी ने बोला देखिए हम लोग खुद ही दूसरों के आए हुए पैसों से चलते हैं, हमारे पास खुद का पैसा थोड़ी होता है, हमें जो बीजेपी है कांग्रेस है खुद का पैसा थोड़ी है, ये तो लोग क्या करते हैं उन्हें पैसा देते हैं, हम आपको कैसे पैसा दे दें, ठीक है। तो मैं बड़े बड़े बिजनेस के मैन के पास गया, उनको बोला कि हम लोग क्या करते हैं, प्रमोशन करते हैं कल्चर एक्टिविटीज का, बहुत सारे लोग आएंगे, 1 लाख लोग आएंगे, अब 1 लाख लोग अगर आते हैं तो अगर उन लोगों को आपकी कंपनी के बारे में बताएंगे तो कितना अच्छा लगेगा। बोला हाँ बहुत अच्छी बात है, तो एक काम करो हम आपका वहां पे एडवर्टीजमेंट भी कर देंगे, आप कुछ पैसे दे दो ताकि हम लोग हमारा टूर्नामेंट भी आगे चला सके। बोला ओके, उसने एक चेक निकाला करके दे दिया, तो वो चेक क्या कहलाएगा, डोनेशन, क्या कहलाएगा, डोनेशन, मतलब मेरे पास पैसा कहाँ से आया, सब्सक्रिप्शन से भी आ गया, डोनेशन से भी आ गया। हमारे काम को देखते हुए गवर्नमेंट ने बोला लो ये थोड़ी सी ग्रांट हमारी तरफ से भी ले जाओ, गवर्नमेंट से क्या मिली, ग्रांट भी मिली, सब्सिडी भी मिलती है गवर्नमेंट से, मिली ना, मतलब इनकम के मेन मेन सोर्सेस क्या क्या है, सब्सक्रिप्शन चार्जेस, डोनेशन, गवर्नमेंट ग्रांट एंड सब्सिडीज। डोनेशन मेरे पास आया 50 लाख रुपए का, खर्चा हुआ मात्र 20 लाख का, 30 लाख का क्या करूंगा, फ्यूचर के लिए रख दूंगा कि फ्यूचर में भी तो टूर्नामेंट करवाने हैं, तो मैंने इसका इन्वेस्टमेंट कर दिया, उस इन्वेस्टमेंट से कौन सी इनकम आएगी, इंटरेस्ट इनकम आएगी, तो वो भी हमारी इनकम का क्या हो गया, सोर्स हो गया, राइट। मतलब किसी भी तरीके के एनजीओ या फिर एनपीओ की इनकम के मेन सोर्सेस क्या होते हैं, अगर हम लोग बात करें इनकम के सोर्सेस के बारे में,
जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, सब्सक्रिप्शन चार्जेस, मेंबरशिप चार्जेस, डोनेशन, ग्रांट्स, सब्सिडी। भैया स्पोर्ट टूर्नामेंट करवाओगे, पब्लिक को बुलाओगे? पब्लिक को जब बुलाओगे तो उसके ऊपर टिकट लोगे क्या उन लोगों से? नहीं। सेल ऑफ टिकट्स। तो एक एनपीओ के लिए सबसे बड़े कौन कौन से हथियार हैं इनकम अर्न करने के? सब्सक्रिप्शन चार्जेस, मेंबरशिप चार्जेस, डोनेशन, ग्रांट एंड सब्सिडी एंड सेल ऑफ टिकट। जल्दी से नोट करेंगे। और भी कोई सोर्सेस हो सकते हैं क्या? बताता हूं, मेरे प्रॉपर्टी है 20 लाख की। मेरे ना कोई आगे ना कोई पीछे, मेरी डेथ हो गई। मैंने पहले ही मेरी विल बना करके बोल दिया गया कि अगर मुझे कुछ हो गया फ्यूचर के अंदर तो मेरी सारी की सारी प्रॉपर्टी इस एनजीओ के नाम कर देना, गवर्नमेंट के नाम नहीं, इस एनजीओ के नाम कर देना। तो वो पूरी पूरी प्रॉपर्टी किसकी हो गई अब? एनजीओ की। तो जब किसी पर्सन की डेथ होती है तो डेथ के टाइम पे जितनी भी इनकम है, जितनी भी प्रॉपर्टी किसी दूसरे पर्सन के पास जाती है, उसको बोलते हैं लेगेसी, वसीयत। किसी दूसरे पर्सन की आपको पूरी की पूरी क्या मिल गई है? वसीयत मिल चुकी है, राइट? चलिए, हम लोगों को अल्टीमेट पढ़ना क्या है? एनजीओ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। तो एनजीओ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हम लोग इंक्लूड करते हैं सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को, फिर इंक्लूड करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को, लास्ट में इंक्लूड करते हैं बैलेंस शीट को। इन तीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तीन टाइप को हमें क्या करना पड़ेगा? डील करना पड़ेगा। एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है, मैं सबको एक एक डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, बट कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनपीओवी इंक्लूड, तीन ऑप्शंस साथ में दे दिया, ऑल ऑफ दी अबव। तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव। पूछा जाता है व्हाट इज द नेचर ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। जिस तरीके से हम लोग कैशबुक के बारे में पढ़ते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं? कैशबुक के बारे में पढ़ते हैं, तो कैशबुक हमेशा कौन से नेचर की होती है? रियल इन नेचर। तो इसका नेचर क्या होता है? रियल अकाउंट।
आप लोग किसी भी तरीके के गेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के जब प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन करने के बारे में बातचीत करते हैं तो क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, जिसका नेचर क्या होता है? नॉमिनल। तो उसी अकॉर्डिंग कौन सा अकाउंट बनाया जाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिसका नेचर भी क्या होता है? नॉमिनल नेचर। डायरेक्ट एमसीक्यू की बात हो रही है यहाँ पे। मुझे इन सबको डिटेल के अंदर क्या करना है? डील करना है। तो हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग पढ़ते हैं कैश बुक, जिसका नेचर क्या होता है? रियल इन नेचर। हम लोगों ने इस ईयर या पिछले ईयर या अगले ईयर के कोई से भी ट्रांजैक्शन किए हो जिसके अंदर कैश या बैंक हो, उन सभी को किसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं? कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। सेम टू सेम ये जितने भी पूरे ईयर के अंदर, पूरे महीने में, पूरे हफ्ते में जितने भी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हुए हैं, वो सारे के सारे रिकॉर्ड किए जाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर। राइट, देखिए, ऑल कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। बिलोंगिंग टू एनी ईयर, बस करंट ईयर का पैसा हो, फ्यूचर का हो, पास्ट का हो, होना इस अकाउंटिंग ईयर में चाहिए, तो उसी को ही क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। कैपिटल एज वेल एज रेवेन्यू, नेचर ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड। चाहे ट्रांजेक्शन कैपिटल नेचर का हो, चाहे रेवेन्यू नेचर का हो, उसको क्या करना है? इसके अंदर रिकॉर्ड करना है। छोटी सी बात बताता हूं, कैपिटल और रेवेन्यू। जो एक्सपेंसेस सालों में एक बार होते हैं, जैसे परचेस ऑफ एसेट्स, इश्यू ऑफ शेयर्स, ये क्या है? कैपिटल नेचर ट्रांजेक्शन है। और जो एक साल में बार बार हो, वो सारे के सारे कौन से हैं? रेवेन्यू। तो किसी भी तरीके का ट्रांजेक्शन हो, वो सारा का सारा कहाँ दिखाया जाएगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर दिखाया जाएगा। राइट, आज की क्लास को यहीं रखते हैं, बाकी बात करेंगे कल की क्लास में। धन्यवाद।